आज के लेक्चर में हम क्लोज्ड हैशिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज हैशिंग टेक्निक भी एक कोलिजन रिजोल्यूशन की टेक्निक है, जिसकी हेल्प से अपन हैश टेबल में होने वाले कोलिजन्स को रिमूव करते हैं। क्लोज्ड हैशिंग टेक्निक ओपन एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। ओपन एड्रेसिंग में क्या होगा कि अपन जब हैश टेबल में डेटा को या की को जब हैश फंक्शन के थ्रू मैप करते हैं, तब अपना एक ही एड्रेस के साथ मैप होती है। बट ओपन एड्रेसिंग के अंदर क्या होगा कि जब कोलिजन अकर होंगे, तब हम एक की को अपन जो एड्रेस असाइन हुआ है उसके अलावा भी किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था चेनिंग मेथड, जो कि ओपन हैशिंग के अंडर में आ रहा था, और उसमें टेक्निक जो यूज़ हो रही थी वो क्लोज्ड एड्रेसिंग थी। मतलब अपन जिस की के साथ जो एड्रेस मैप हो गया है वहाँ ही उस की को स्टोर करना होगा। अपन एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे और उसके अंदर डेटा को स्टोर करते थे, बट ओपन एड्रेसिंग में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपन दूसरे लिंक लिस्ट को ना क्रिएट करके दूसरे एड्रेस पे भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि अपन को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैशिंग में, और इजीली अपन डेटा को सेव कर सकते हैं और इजीली उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ टाइम में। इसलिए ओपन एड्रेसिंग क्लोज्ड एड्रेसिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़फुल है। अब ओपन एड्रेसिंग में अपन कौन, जैसे अपना एक की फिफ्थ एक की है जो फिफ्थ एड्रेस के साथ स्टोर है, बट वहाँ पे पहले से ही कोई की प्रेजेंट है, तो अपन कैसे उसको 6th, 7th, 8th एक्सेट्रा अलग अलग एड्रेस पे मैप करेंगे, वो डिपेंड करता है इन तीन टेक्निक्स पे, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। ये तीनों टेक्निक्स में अपन हैश फंक्शन ही डिफरेंट टाइप के यूज़ करते हैं, जिससे कि ये तीनों अलग अलग टाइप की टेक्निक्स बन जाती है। जैसे लीनियर प्रोबिंग में, लीनियर से अपन समझते हैं, लीनियर प्रोबिंग में क्या होगा कि एक लीनियर हैश फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे लीनियर हैश फंक्शन क्या हो सकता है, h(x) हैश फंक्शन की क्या होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2k+3 हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी हेल्प से एक हैश फंक्शन क्रिएट कर लिया और वो लीनियर प्रोबिंग में यूज़ कर लिया। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज़ करेंगे अपन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है, हैश ऑफ की 2k² + k+1, इस टाइप की इक्वेशन अपन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में यूज़ करेंगे। इस टाइप का हैश फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से अपन जब कोलिजन अकर होगा तो अपन दूसरा एड्रेस भी रिट्रीव कर सकते हैं इसी की हेल्प से। फिर डबल हैशिंग में क्या होगा, डबल हैशिंग में एक ही हैश फंक्शन को अपन मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे। जैसे कि अपना हैश फंक्शन है k+2, अब इस हैश फंक्शन k+2 को हैश फंक्शन के थ्रू जब जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर एक बार और हैश फंक्शन यूज़ कर लेंगे, जिससे कि ये कि डबल हैशिंग में, मतलब कि डबल हैश फंक्शन यूज़ करना है। इन तीनों की हेल्प से ही अपन कोलिजन्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कोलिजन्स अक्कर हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब इस फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में किस टाइप से अपन डेटा को स्टोर करते हैं और किस टाइप से कोलिजन्स को रिमूव करते हैं। और इसके लिए अपन ने फर्स्ट ले लिया, कीज़ ले लेते हैं। कीज़ हैं 2, 3, 9, 6, 11, 13, 7 and 12। हैश टेबल साइज कंसीडर कर लिया 10। हैश फंक्शन ले लिया, फंक्शन क्या लिया, 2k+3, यही लीनियर फंक्शन ले लिया। अब ये हैश फंक्शन है और अपन इस पे यूज़ करते हैं डिवीज़न मॉड्यूलो मेथड हैश फंक्शन का, मॉड्यूलो मेथड, जिससे अपना हैश ऑफ की क्या बन जाएगा, 2k+3 मॉड ऑफ हैश टेबल साइज, जो कि 10 है। इस फंक्शन की हेल्प से अपन टेबल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट 10 नंबर कीज़ कितनी हो जाएगी, 10, टेबल साइज होगी 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये अपनी हो गई हैश टेबल। अब अपन कीज़ को मैप करते हैं इस हैश फंक्शन के थ्रू। सबसे पहले टू को मैप किया, टू में क्या आएगा, टू इंटू टू प्लस थ्री मॉड टेन, टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन मॉड टेन, तो अपना आ गया रिमाइंडर सेवन। तो सेवन्थ पोजीशन पे टू को फिल कर देंगे। अभी तक कोई कॉलिजन नहीं है, जब कॉलिजन अक्कर होगा तब अपन लीनियर प्रोबिंग मेथड यूज़ करेंगे। थ्री इंटू टू प्लस थ्री मोड टेन, सिक्स प्लस थ्री इज नाइन, नाइन मोड टेन नाइन, तो थ्री को स्टोर करेंगे नाइन्थ पोजीशन पे। थर्ड है नाइन, नाइन इंटू टू प्लस थ्री मोड टेन इक्वल टू एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, वन वन पोजीशन पे नाइन स्टोर हो जाएगा। सिक्स, सिक्स इंटू टू प्लस थ्री मोर टेन, ये आया रिमाइंडर बचा फाइव, फिफ्थ पोजीशन पे सिक्स स्टोर हो जाएगा। अभी तक कोई कॉलिजन अक्कर नहीं हुआ है तो अपन स्टोर करते जा रहे हैं। इलेवन में इलेवन इंटू टू प्लस थ्री ट्वेंटी टू मोर टेन ट्वेंटी फाइव, ये भी फिफ्थ पोजीशन पे ही स्टोर हो रहा है। जब सेम पोजीशंस आ गई तो अपना इस वैल्यू पे कॉलिजन अक्कर हो गया। बट ये लीनियर प्रॉबिंग है, मतलब कि अपन इसके साथ कोई लिंक लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग में अपन क्या देखते हैं, जैसे ही ये फिफ्थ एड्रेस पे जाएगा तो ये की देखेगी कि फिफ्थ पे पहले से ही डेटा प्रेजेंट है, तो ये लीनियरली आगे बढ़ेगी। लीनियरली आगे बढ़ने पे क्या होगा कि ये फिफ्थ से सिक्स्थ पे देखेंगे, सिक्स्थ वाले एड्रेस पे जाएंगे, सिक्स्थ पे कोई डेटा स्टोर है या नहीं है ये देखते हैं। तो सिक्स्थ पे कोई डेटा स्टोर है नहीं है, कोई लोकेशन मेमोरी खाली है, तो अपन इलेवन को सिक्स्थ पोजीशन पे स्टोर कर देते हैं। अब अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोब्स। प्रोब्स का मतलब है कि कितने टाइम पे के बाद, कितने इटरेशन के बाद अपन को कोई भी एलिमेंट या कोई भी की मिलती है। जैसे सेवन्थ को स्टोर करने के लिए अपन को टू को स्टोर करने के लिए एक ही डेटा पे जाना पड़ा, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोब्स हो गए वन। इसमें भी एक पे ही जाना पड़ा, नंबर ऑफ प्रोब्स वन, नंबर ऑफ प्रोब वन वन। बट इस लोकेशन पे जब अपन गए तो फिफ्थ पे सर्च करेंगे डेटा को कि प्रेजेंट है या नहीं। अगर डेटा यहाँ पे नहीं मिला तो अपन इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन पे देखेंगे जहाँ पे डेटा प्रेजेंट है। तो इसके लिए कितने यूज़ किए, नंबर ऑफ प्रोब्स टू प्रोब्स यूज़ किए, मतलब टू प्रोब्स के बाद ही अपन को वो लोकेशन मिली जहाँ पे अपन 11 को स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स पे है 13, ट्वेंटी नाइन मोड टेन नाइन। अब नाइन थर्टीन भी एक कॉलिजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि नाइन पे अपना थ्री पहले से ही स्टोर है। तो इससे अब क्या होगा, अब भी अपन को लीनियर प्रोबिंग ही यूज़ करनी है। अब लीनियरली अपन आगे बढ़ेंगे। अब नाइन्थ लास्ट के बाद वापस से फर्स्ट पे जा सकते हैं क्योंकि नाइन्थ के बाद फर्स्ट ही जो जीरोथ कॉलम ही फर्स्ट कॉलम होगा। तो नाइन्थ पे यहाँ पे अपना कोलिजन अक्कर हो गया, देन नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे लोकेशन खाली है या नहीं। लोकेशन अपन को एम्प्टी मिल गई तो अपन 13 को यहाँ स्टोर कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने हुए, फर्स्ट अपन नाइन्थ पे गए, फिर नाइन्थ के नेक्स्ट पे गए जो जीरो है, जीरोथ कॉलम पे गए, जीरोथ में 13 स्टोर हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रॉप्स हो गए टू। टू प्रॉप्स में अपन को वो लोकेशन मिल गई। अब सेवन को स्टोर किया, सेवन इंटू टू प्लस थ्री मोड टेन, ये भी सेवन आया। अब सेवन्थ लोकेशन पे पहले से ही टू स्टोर है तो ये भी एक कॉलिजन अक्कर हो गया। अब कॉलिजन अक्कर हो गया तो अपन लीनियर प्रोबिंग में नेक्स्ट
एम्प्टी स्लॉट ढूंढेंगे, एम्प्टी स्लॉट सेवन्थ के बाद एट्थ पे गए बट लीनियरली जाएंगे, जंप नहीं करेंगे। जैसे सेवन्थ के बाद अपन नाइन्थ या थ्री पे जंप नहीं कर सकते, लीनियरली ही अपन को वन बाई वन चेक करना है। तो सेवन्थ के बाद एट्थ को चेक किया, एट्थ को चेक किया तो अपन को एम्प्टी प्लेस मिला, एम्प्टी प्लेस मिला तो अपन सेवन्थ को एम्प्टी प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें भी नंबर ऑफ प्रॉप्स की कितने हो गए, टू नंबर ऑफ प्रॉप्स हो गए टू। एट्थ पे अपने 12 को स्टोर करना है, 12 इंटू टू प्लस थ्री मोर 10, ये भी आया 7। सेवन्थ पोजीशन पे ही स्टोर करना है। अब सबसे पहले सेवन्थ पोजीशन पे गए, सेवन्थ पोजीशन पे गए वहाँ पे डेटा स्टोर है, फिर लीनियरली आगे बढ़े, एट्थ पोजीशन पे गए, एट्थ पोजीशन पे भी डेटा स्टोर है तो अपना यहाँ भी डेटा स्टोर निकल से। एट्थ के बाद अपन नाइन्थ पोजीशन पे गए, नाइन्थ पे भी डेटा स्टोर है तो यहाँ भी अपन ट्वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते। देन नाइन्थ के बाद अपन जीरो पे गए, जीरो पे भी डेटा स्टोर है, वन पे भी डेटा स्टोर है। देन नेक्स्ट आया अपना टू, टू पे अपन को एम्प्टी स्लॉट मिला तो एम्प्टी स्लॉट में अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी एड्रेसिंग क्या हो गई, ओपन एड्रेसिंग से अपन ने इसकी एड्रेसिंग चेंज करके कहाँ ले आए अपन टू पे, तो 12 कहाँ स्टोर होगा, टू लोकेशन पे। अब इसमें नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने हो गए, सबसे पहले अपन सेवन पोजीशन पे गए, सेवन्थ के बाद एट्थ पे, एट्थ के बाद नाइन, नाइन के बाद जीरो वन एंड टू पे अपन को मिला है। तो कितने प्रॉप्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स प्रॉप के बाद अपन को इसकी लोकेशन मिली है, मतलब कि नंबर 12 को स्टोर करने के लिए अपन को मैक्सिमम सिक्स स्टेप्स लेने पड़े, सिक्स टाइम्स सर्च परफॉर्म करना पड़ा एम्प्टी प्लेस को सर्च करने के लिए। तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रॉप्स मैक्सिमम यही हो सकते हैं कि हैश टेबल की साइज़ के थ्रू, साइज़ के जितने। तो इसमें भी अपन लीनियरली जो लीनियर सर्च परफॉर्म करते हैं उससे बेटर परफॉर्मेंस ही मिलती है, इसलिए अपन हैशिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से अपन जल्द डेटा को रिट्रीव एफिशिएंटली कर सकते हैं। और ये है अपना लीनियर प्रॉबिंग मेथड। थैंक यू।